डिग्गी में बैठना होगा हमें तो। हाँ बिल्कुल। एक क्यूट बॉय गोलू। मेरे को बस जंगल सफारी करनी है, शेर देखना। मगर है लाकड़ो है। न्यू ईयर की ट्रिप हो गई बर्बाद। तो भैया लोग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क टहलने के लिए। हमारे मित्र आ रखे हैं गोला से, आयुष मोहन भाई, और इधर शुक्ला जी खड़े हैं। क्या ठंड ज्यादा लग रही? का ठंड है भैया, ठंड तो लगे आइए। फिलहाल माहौल गर्म करो भाई, देखो वो वीडियो वीडियो। माहौल भी गर्म करो भाई। आज कहाँ जा रहे टहलन? जा रहे हैं दुधवा। आयुष भाई की प्रबल इच्छा रहा है कि हम दुधवा जाएं, तो हमने चलो। इनकी प्रबल इच्छा रहा है कि ये कहूँ पहुंच जाए कुल मिलाई। मैं भी तो चल रहा हूँ यार। यहाँ सबसे पास हम दुधवा ही है कि बस दुधवा जी चले। दुधवा कभी गए ना है, मतलब हम तो पास में रहते हैं दुधवा से। भैया पास में रहते हैं लेकिन गए हम कभी ना। मेरे को बस जंगल सफारी करनी है, शेर देखना है। अच्छा, इधर मामा जी हमारे, हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। क्यों क्यों सचिव जी, दुधवा में क्या कुत्ते पाए जाते हैं क्या? इधर वाजपेयी जी बिल्कुल तैयार खड़े हैं एकदम से। पहली बार जा रहे हो? हाँ पहली बार जा रहे हैं। कहूँ जाता है उतना ही नहीं मिलती। जा चुके हम लोग, एक बंद रहा है, मतलब एक ऐसे टाइम पर गए कि जब खुलवाना रहा दुधवा। आज पहली बार अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हें पहली बार जा आईटी काम बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये गलत चीज है, मैं तो मर्दडीज में घूमता हूँ। डिग्गी में बैठना होगा हमें तो। हाँ बिल्कुल। ए क्यूट बॉय गोलू। क्या हुआ आयुष भाई? अरे बहुत सिकुड़े खड़े हो यार। यार रिस्पेक्ट दिया करो। ले रिस्पेक्ट। ब्लॉग में मार खाएंगे आयुष भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास लग रहा है। पहली बार जा रहे हैं आप दुधवा? चाय नहीं मिलेगी आपको? इधर मिल गए चाय। क्लियरिटी आज पहली बार तुम गोरे आ रहे हो इधर से, पता है तुम्हें? गलती सकल हो तो तुम ऐसी बात ना करो। मामा जी बात है, चाय हपक रहे हो? बिल्कुल आइए भाई साहब। आप बहुत कम दी, मेरे कप में थोड़ी कम नहीं है? इन्हें बहुत ठंड लगत है वो। यहाँ की मुख्य कारीगर है, पहले से ही बर्तन धो। मनुया एक बार निर्मा वहाँ ज्यादा उड़ गया, तब से जो गोरे हुई गए यार, सफेद सफेद। मनुया मनु बताइए क्या करता रहा है? छोटू का काम करता था मनु, छोटू का। इन्होंने हमारे लिए चाय ही नहीं बनाई, बाद में नचोर नचार के हो गई। पकौड़ी हो की है, ठंड का मौसम, चाय और पकौड़ी। हो चुके हैं वेलकम टू दुधवा। दुधवा रेंज में तुम यार कितना डरते हो यार, गोला के हो या गुल्ली के? गोला के। अगर आयुष भैया की बेइज्जती थोड़ी भी कम होगी तो ब्लॉग ना चलिए। बेइज्जती तुम्हारी कम ना है, छोटा भाई बेइज्जती कर रहा हूं। मुटल्लू लग रहे हो, हम कौन सी गाड़ी में बैठे हैं? ऐसो लग रहा है कोई लंबार्गिनी मॉडल कुछ बैठे हैं। देखो ना यार, लोगों से क्यों दिख रहे हो भाई? बस कमजोरी वाया कर रहा है कि मतलब बंदर गन्ना ना चूस सकत का? गन्ना चूस है यार भाई, तुम बराबर खून चूस रहे हो। तुम खून पियत आदमी को, तुम शुक्ला जी कहते हैं हमारा जोर, और बंदर गन्ना भी ना चूस सकत? नहीं हम नहीं पियत भैया, पर वो तुम्हारे बहुत अच्छी कैपेसिटी है। दोनों बहुत चश्मा लगाई पिया थे। बहुत स्मार्ट हूँ, बचपन में जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने बोला बहुत स्मार्ट लड़का हुआ है। कौन लग रही है माथे पर सिप्रोजिन फोर्ट? माथे पर सिप्रोजिन फोर्ट रगड़ कर बोला था। पर्यटन परिषद मेन गेट, दूरी 100 मीटर। सुबह नेशनल पार्क आए हैं, सोचा बहुत कुछ होगा, हम पहली बार आए। स्थिति ये है कि यहाँ पे जो सरकारी रेट लिखे हुए हैं उस पे ये लोग नहीं विजिट करा रहे हैं, अपने अपने रेट बना रखे हैं। हर जगह बिजनेस चल रहा है भयंकर तरीके से। हालांकि हम जाएंगे जंगल सफारी करेंगे, अंदर तक का मजा लेके आएंगे पूरा, पैसे कितने भी पड़ जाएं। अगर ऑनलाइन बुक कर लेते तो शायद यहाँ पे बढ़िया से घूम सकते थे। किराया यहाँ पे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये 6 लोगों के लिए, हमारे बंदा है साथ, तो हमें नहीं लग रहा है कि हम लोग घूम पाएंगे। हालांकि अभी हम प्रयास करेंगे, एक जुगाड़ लगाएंगे, हो जाएगा बुक तो ठीक है, वरना बस ऐसे खड़े हैं, खड़े खड़े चले जी वो यार। न्यू ईयर की ट्रिप हो गई बर्बाद तुम्हारे चक्कर में। मुटल्लू अरे यार, तुम्हारे चक्कर में। डोंट डोंट टच मी जी।
इन दिस ब्लॉग बहुत नीचे कर दिया होगा। हम ये कह रहे हैं आयुष भाई के चक्कर में ये ट्रिप सब बेकार हो गई है, मजा नहीं आया। इनका बहुत मन था, हमें पता था दुधवा को देखने को नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब लखीमपुर से आए 5-6 हजार रूपए लेट हो गए भैया, धोखा खा गए भैया थोड़ा, सरकार ने धोखा दे दिया। अरे सरकार यार हमेशा धोखा देती है, जनता कौन सरकार के प्रति ईमानदार है? कार्यरत वोट दी, वोट दी वो कैंडिडेट वोट ना देते। बाहर घूम रहे पूरा दुधवा घूम डर दोनों ने। भैया दुधवा घूम चुके हैं, 10-15 प्रजाति के शेर देखे हैं प्रजाति। अरे यार छोड़ो बात मत करो, बल्लभ बगनी भी देखी है, बगनी बगनी देखी हमारे तो सब सारे बंदर ही दिखाने हैं, कोई दिखाना नहीं। और खैरा की बसें दिखती हैं केवल भैया ट्रिप यार, इतनी भीड़ है, एक जिप्सी नहीं मिल रही हूँ जैसे जंगल सफारी कर ली जा रहे घर, मूड खराब कहता है, मूड खराब फीलिंग ऑसम एंड 69 था जिप्सी नहीं मिल पाई यार। मतलब जिप्सी का यार मेरा बालम ठाकेदार चलाए जिप्सी, उनको बालम जिप्सी लेके चलोगे तब से हड़ताल पड़ी है जिप्सी हड़ताल है भैया इतना टाइम, बहुत ज्यादा डिस्पर्शन में हूँ छोटे भाई, डिस्पर्शन में भी हूँ और डिस्पर्शन में भी हूँ, क्योंकि मैं दुधवा में जो है एक जिप्सी अरेंज नहीं कर पाया क्योंकि वो लोग वहाँ पे लूट रहे थे ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। जिप्सी भी नहीं मिली क्योंकि जिप्सी कौन ले गया अनिलार ये देखो पल्लव बैठा है इधर, कौन बोले जाएंगे। अरे ठंड लगती हुई यार अंदर लेटे हुई, मुंह देखो मोगर है लाकड़ो है नन्ना मोगर है लाकड़ो मोगर है, अरे लाकड़ो है भैया जब गिरी कई बार लाकड़ो ना है यार विशाल मोगर है लाकड़ो है लाकड़ो है नाना कूद के देखा छलांग मार देखी देखी देख मगरो ना भैया लोकड़ो है भैया मोबाइल बचा के रखना पानी बहुत चिड़चिड़ा है, इधर फेंक दूं फोन को, अमित का फोन है कहीं भी फेंक दूं मेरे को क्या जाता है। बेवफा जिप्सी मुझको नहीं मिली जिप्सी जा रही है बेवफा वाली बवाली, तिलक लगाई खाली चल दे तेल लगाई मोटा तुम्हें लल्ला हम वायरल कर दी वो इतो बोल बोल मोटा 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 मुटल्लू बुंदलू अब तो तुम्हें शर्म आना चाहिए, जिम ज्वाइन कर ले छोटे भाई, भाई जिम ज्वाइन जोमेटो से मगाई मगाई खाए हो ना मैंने कहा तुम लोग यार हमारे भाई हो, कहाँ से हो? यही से हम लोगों की वीडियो यार सही बताना, एकदम बिल्कुल बिंदास बिंदास कहाँ से हो? पलिया से, तो दुधवा जा रहे हो घूमने? कुल मिला के यार मजा नहीं आया मुझे, मैं यहाँ पे आया लेकिन वो मजा नहीं आया घूमने में, इससे बढ़िया हम कहीं और निकल जाते। न्यू ईयर की ट्रिप बहुत ज्यादा बेटर रही नहीं, बोलती मेरे टिकटॉक की पब्लिक फिल्टर देख लो, बोले तो तकलीफ मनु बवाली के साथ गेम खेल रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव का छोटा भैया मनु बवाली यादव, मनु कैसे लगे हिसाब? मनु गेंद फेंके जाए यार आज बड़ा दिन बाद खेल रहे कसम, सुना मैं अंदाजा ना है कितने झेल लियो झेल। अरे भाई तुम्हारी गेंद बाउंगे हमारी रे हुआ गई रहा बहुत, देखो आयरो सिर्री जब देखो जब कुट्टा फास्ट भाई। इस ब्लॉग को यहीं पे अब एंड करते हैं, सुबेद भाई थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, अगली वीडियो पे काम चल रहा है और गए थे दुधवा वगैरह घूमने नए साल पे, आपने देखा ब्लॉग में इस पूरा ट्रिप बेकार हो गया, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो दूसरी जगह जा ही नहीं पाया क्योंकि दिन में मुश्किल से 2-3 घंटे का टाइम था, कोहरा बहुत तेज़ था तो इसलिए कहीं गए नहीं। और हम आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि अभी कोहरा है ज़्यादा ट्रिप के चक्कर में ना पड़ो, बहुत दुर्घटनाएं हो रही, घर पर रहो सुरक्षित रहो, और इस ये ब्लॉग जो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब मार दिया करो, फिर कहीं घूमते हैं तो दिखाएंगे आपको। और अभी अगला ब्लॉग आने वाला है मेकिंग ऑफ नगर पंचायत, तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि हमने कैसे शूट किया, क्या किया, कैसे अरेंजमेंट किया, क्या लोकेशंस थी। तो ठीक है, लव यू।